बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं और इसलिए वो जगत के पालनहार भी कहे जाते हैं। माना जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की भी रोजाना पूजा करते हैं, दरिद्रता कोसों दूर रहती है। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है, उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता जरूरी है। आइए जानते हैं शालिग्राम पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में करें, विचारों को शुद्ध रखें, मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान कराएं, शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम है और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा किसी नदी में प्रवाहित कर दें। शालिग्राम शिला का जल अपने ऊपर छिड़कने से समस्त यज्ञों समस्त तीर्थों का जो पुण्य फल है, समस्त तीर्थों में स्नान का जो पुण्य फल है व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको उनकी कृपा का पात्र बना सकती है, इसलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं और प्रभु से अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। जगत के पालनहार श्री हरि की कृपा जिस भक्त को मिलती है उसका तो मानो जीवन ही धन्य हो जाता है। श्री हरि की भक्ति हर पाप और कष्ट से मुक्ति दिला सकती है, लेकिन सवाल यह है कि श्री हरि को प्रसन्न कैसे किया जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रतिखंड अध्याय में उल्लेख है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं, उनकी परम कृपा प्राप्त होता है। श्री हरि को मनाने के लिए उनकी कृपा पाने के लिए धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कई दिव्य मंत्र बताए गए हैं और इन दिव्य मंत्रों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावी है एक मंत्र जिसे जपने से नारायण की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं वो मंत्र क्या है। नारायण का दिया ये वो मंत्र है जिसका जाप करने वाले हर भक्त हर मुसीबत और विपदा से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जिस पर नारायण की कृपा होती है उसे ना तो कोई बाधा रोक सकती है और ना ही कोई विपदा परेशान कर सकती है। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से जपिए नारायण का ये महामंत्र और वे आपके सभी दुखों को कर देंगे अंत।